नमस्कार दोस्तों, फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग बिहार पटना नंदलाल छपरा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जिस बिजनेस के बारे में बताने जा रही हूँ, बहुत कम लागत से भी आप कर सकते हैं और आप चाहते हैं एक बड़ा प्लांट बैठाना तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा मशीन जिसको करने से आप हजारों नहीं लाखों भी कमा सकते हैं, बशर्ते आप कितने में वो प्लांट बैठा रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज हम बात कर रहे हैं सर सैंडविच ग्रिल्ड मशीन की। सैंडविच ग्रिल्ड मशीन, आप जैसा कि देख रहे हैं मेरे पास एक मशीन है, इसे हम सैंडविच ग्रिल्ड मशीन कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक पे चलने वाली है, यहाँ ऑन ऑफ का बटन है। ये मशीन सिर्फ और सिर्फ सर 12,000 की है। अब बात आती है कि इस 12,000 की एक मशीन से हम कैसे लाखों का कमा सकते हैं और कैसे ये बड़ा प्लांट भी है और छोटा भी है। तो सर, जैसे कि अगर आप बेरोजगार हैं और आपके पास बहुत कम अमाउंट है और आप चाह रहे हैं कि कुछ कर लें, तो सर एक 12,000 की मशीन आप अपने घर पर ले जाके लगा सकते हैं और एक नई चीज मार्केट में खाने वाली सेल कर सकते हैं। लोगों को सैंडविच ग्रिल बहुत पसंद है, बशर्ते उन्हें मिलता नहीं है। आप तो मार्केट में अगर सेल करते हैं तो डिमांड स्टार्टिंग में इट में भी पॉसिबल कि आपको सेल करने में थोड़ी सी दिक्कत हो, थोड़ा सा रुकावट हो, लेकिन जब लोगों को एक बार इसका स्वाद जबान में चढ़ जाएगा तो वो काफी अच्छा लगेगा। सैंडविच ग्रिल्ड मशीन में सैंडविच बन वो बना के आप लगा देते हैं तो सैंडविच पक जाता है, तल जाता है और उससे उसका फ्लेवर जो है, टेस्ट जो है अच्छा हो जाता है। सैंडविच ग्रिल में आपको जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर छोटा मशीन आप ले जाके, यानी सिर्फ एक 12,000 की मशीन ले जाके आप अपने घर पे जाने तो एक दुकान की तरह खोल के उसे इसके साथ और कॉफ़ी वगैरह की मशीन लेके आप इस तरह का बिजनेस कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ ब्रेड, रॉ मटेरियल में ब्रेड, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, इस तरह की कुछ चीज़, इस तरह की कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो रॉ मटेरियल का कोई टेंशन ही नहीं है, ब्रेड आपको सब जगह मिल जाता है। अब मैं बात करती हूँ बड़े प्लांट की। तो बड़ा प्लांट में ब्रेड क्या, ब्रेड जो है सर वो बनाना एक बड़े प्लांट के अंदर आता है। यानी सैंडविच ग्रिल्ड बनाने के लिए, ग्रिल्ड सैंडविच बनाने के लिए आपको जिस मशीन की जरूरत पड़ती है वो तो हम दे रहे हैं, पर सैंडविच ग्रिल्ड जिस चीज से बनता है यानी ब्रेड, वो ब्रेड कहाँ से आता है? तो सर ब्रेड बनाने की मशीन भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, हम आपको देते हैं। बिहार में शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस तरह की मशीन, फूड रिलेटेड मशीन रखे होंगे। हम आपको मशीन देंगे ऐसी जिसमें आप ब्रेड बना सकें, उसके सारे इक्विपमेंट के साथ, सारे इक्विपमेंट के साथ आपको हम ब्रेड मशीन देंगे। उसमें ओवन होगा, आप जिस तरह का ओवन चाहते हैं, आप गैस ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन वो भी ले सकते हैं, आप इंडियन चाहते हैं इंडियन मिलेगा, अगर आप चाहते हैं कि आप सिंगल देख लें आपको सिंगल देख मिलेगा, दो ट्रे, चार ट्रे, छः ट्रे, 36 ट्रे, 42 ट्रे, 24, जिस तरह के ट्रे की आपकी डिमांड है, जितना का आप प्लांट लगाना चाहते हैं उतना के हिसाब से आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस बिजनेस के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ब्रेड बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल में आटे की ज़रूरत पड़ती है या फिर मैदे की ज़रूरत पड़ती है, आप जिस चीज़ का बनाते हो आपके ऊपर है। अगर आप आटे का ब्रेड बनाते हो तो आटा नीडिंग करने के लिए आपको स्पाइरल मिक्सर की जरूरत पड़ती है जो कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं। स्पाइरल मिक्सर आप लेके और एक ओवन लेके इस मशीन को शुरू कर सकते हैं। जैसे आप ब्रेड बनाते हैं तो अगर स्लाइसिंग ब्रेड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए स्लाइसर मशीन की जरूरत पड़ती है। स्लाइसर मशीन भी हमारे यहाँ आपको मिल जाती है और इस तरह से ये एक प्लांट हो जाता है। और अगर कोई चाहता है कि छोटे में करना चाहे तो वो छोटे में कर सकता है। दोस्तों, जहाँ तक मैं रॉ मटेरियल की बात कर रही थी, तो अगर एक ब्रेड बनाना है तो ब्रेड बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल में आटे की जरूरत पड़ती है। आटे के साथ आप जो भी मिक्सिंग करना चाहते हो, चाहे जिस चीज़ से मिक्सिंग करो, मटेरियल में ऑयल हो, पानी हो, वो आपके ऊपर है आप किस चीज़ से आटे को मिक्स करते हो। तो जब आप मिक्सिंग के लिए स्पाइरल मिक्सर को यूज़ करते हो तो सर एक किलो आटे का प्राइस 25 से 30 रुपये किलो है। 30 रुपये का एक किलो जब आप आटा लेते हो तो उसमें जब आप ब्रेड बनाते हो दोस्तों, तो आप खुद अंदाजा कर लो कि एक ब्रेड जो होता है वो 15 रुपये का मिनिमम आता है। यानी एक किलो आटे का आधा किलो आटा 15 रुपया और एक ब्रेड 15 रुपया। तो मार्जिन कहाँ है दोस्तों? आखिर अगर मार्जिन नहीं है तो ऐसा सेल कैसे हो रहा है? ये मार्जिन ही तो है कि 15 रुपया में आधा किलो आटा लेते हो और 15 रुपया में एक ब्रेड लेते हो जिसमें 10 स्लाइसेस होते हैं। तो क्या सिर्फ 10 स्लाइसेस बनाने में 15 रुपये खर्च हो जाते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। यही चीज़ बताने और समझाने के लिए मैंने ये वीडियो आपको बनाया। अगर आप प्लान लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं, अगर आप अपने बिजनेस में आगे इम्प्रूवमेंट चाहते हैं,
तो हमसे हमारा नंबर आपको वीडियो में दिख रहा है। अगर आप चाहते हो कि आप अपना एक बिजनेस करो, छोटा अमाउंट से करो, तो आप हमारे पास तो भी कॉल कर सकते हो या बातें कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप बड़े प्लांट में ले, तो आपको बड़ा प्लांट भी प्रोवाइड किया जाता है। मशीन ले जाना, इंस्टॉलेशन की सुविधा, ट्रेनिंग की सुविधा, सर्विसिंग की वारंटी, एवरीथिंग आपको हमारी कंपनी से प्रोवाइड की जाती है, इट मीन्स की प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको किसी भी तरह का इशू है तो हमारा कंप्लेन नंबर दिया जाता है। आगे विशेष चीज़ों के लिए दोस्तों आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रॉ मटेरियल के लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर बेरोजगारी को मिटाना है तो थोड़ी सी रिस्क, थोड़ा सा मेहनत तो हमें करना होगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ अगर मेरा वीडियो लाइक अच्छा लगता है तो लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते।